देखो यहां पे एक ग्लास का एक क्या है, एक आपका स्पीयर हो गया ग्लास का ही, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस बार, ठीक है। जिसकी डायमीटर कितना दिया है, कलर वो यूज कर देता हूं, डायमीटर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। यहां पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है कि इमेज इसका फाइनल कहां बनेगा। तो सबसे पहले लाइट की रे जाके आप स्ट्राइक करेगी, तो ये आपका हो गया N1, ये हो गया N2, फिर बाहर जा रहा क्या हो गया N1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे N1 N2 N1 अगर ये चीज नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो कहां से N1 से N2 में लाइट गिरे जा रही है, तो फार्मूला आप क्या पढ़े हो, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R, N2 माइनस N1 अपान R। तो अब बताओ N2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1.5, और V की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। V की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस N2 का मतलब 1, और U की वैल्यू माइनस 30 हो जाएगा ना, माइनस 30 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपान प्लस 10, ठीक है, प्लस 10, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1, इसको क्या लिख सकते हो, ऐसा करो ना, इसको आप लिख दो 3/2, क्या लिख दो 3/2, भी लिख सकते हैं माइनस प्लस 1/30 इक्वल टू, इसको क्या लिख दो 0.5 यानी 1/20, क्या लिख दो 1/20 हो जाएगा ना। अरे 0.5 को 1/2 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया, अब यहां पे हो गया आपका 3/2 20 माइनस 1/30, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया 30 और 20 का 60 हो जाएगा ना, ये कितना हो गया 2/3 हो जाएगा ना, 3 माइनस 2 इजकल टू 2/3/2 भी, या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल टू 1/60। ये कितना हो गया 30, यानी भी की वैल्यू कितना हो गया बताओ 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब है कि जो लाइट की रेंज यहाँ पे स्ट्राइक की, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आके कितने दूर बाकी मिल रही है 90 सेंटीमीटर पर। यानी यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लोगे डिस्टेंस कहां से लेंगे, इस सरफेस से, यहां से ऑब्जेक्ट की इमेज कितने डिस्टेंस पर बना 90 सेंटीमीटर पर। अब यहां पे इस सरफेस के लिए, चूंकि दो सरफेस होगा ना ये लाइट की रे, देखो यहां पे आपका रिफ्लेक्शन हुआ है, अपवर्तन हुआ, तो यहां से आके 90 सेंटीमीटर पे यहां पे इमेज बना। अब इस सरफेस के लिए यह क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट, तो इस सरफेस के लिए देखोगे तो अब इस सरफेस देखो अब कहां डेंसर से कहां जा रहा है रेयर में, डेंसर से रेयर में, तो अब इसको N1 मानो, इसको N2 मानो, जिसमें से कहीं कुछ नहीं कंफ्यूजन होना है। N1 N2 इसको मिटा देता हूं, चलो मैं हटा देता हूं क्योंकि वो लिखते समय अक्सर, ठीक है, जिसमें जाएगा वो N1 और जहां जा रहा है वो N2, ठीक है। यहां देखो पहले लाइट की रेज यहां से यहां गया, तो ये N1 हो गया ये, अब इसमें से इसमें आएगा, अब लाइट की रेज यहां आके इस टाइप की यहां नॉर्मल ड्रा करोगे तो अब यहां से कहां जा रहा है, तो उसके लिए पहले हम वैल्यू निकाल, तो अगर इस सरफेस के लिए देखो तो यह वैल्यू, यह जो इमेज होगा, यह जो इमेज बना है आई डैश, इसके लिए क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट। यहां से यह डिस्टेंस कितना है 90 निकाले हो ना, और यह डायमीटर कितना है 20, यानी 20 इसमें घटा दोगे तो यह डिस्टेंस कितना हो गया बताओ 70 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए यह क्या हो गया 70। लेकिन रियल का रियल होगा कि वर्चुअल, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए वैल्यू रखोगे तो क्या लिखोगे, N2 की वैल्यू क्या रखेंगे 1/V माइनस 1.5/U, U की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा
प्लस होगा, ठीक है, क्या होगा, प्लस हो गया कितना 70 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा अब माइनस 10। अभी सरफेस के लिए क्या हो गया माइनस, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो क्या होगा बताओ, ए वन अपान भी इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 यानी 3/140 और यहां क्या गया, चलो इसको ऐसा कर दे यहां पहले लिख देता हूं माइनस 3/140 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/20 क्या इसी को लिख सकते हो आप 1/V=1/20 इधर लाओगे तो प्लस 3/140 1/V=2 कितना हो गया 120 कैल्सियम 140 ये हो गया 7 और ये हो गया 3 यानी V=2 कितना आ गया, क्या आ गया 14 सेंटीमीटर, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब भी है कि ये लाइट की रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आके मिली और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ये फाइनल आपका इमेज बन गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका 14 सेंटीमीटर। फिर एक बार समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है जो लेट से आया है एक बार फिर इसको देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट भी है और इमेंस वगैरह में कई बार आया है। ये आपका ग्लास था, क्या है ग्लास है, ग्लास का एक गोला है जिसका डायमीटर कितना दिया है D=2 दे दिया है 20 सेंटीमीटर था ना, D=20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर को, वो ऑब्जेक्ट है, इसका n की वैल्यू कितनी हो गई 1.5। हमें निकालना क्या है कि फाइनल इमेज क्या बनेगा, तो सबसे पहले स्टेप क्या देखोगे, ध्यान दीजिए आपका, सबसे पहले क्या करोगे, ये यहां से लाइट की रेज जाएगी, ठीक है, यहाँ आके स्ट्राइक की, तो अभी कहां से होके जा रहा था, ये आपका n1 हो गया और ये n2 हो गया, तो फार्मूला क्या पढ़े हो आप, n2/V-n1/U=n2-n1/R, बिल्कुल एकदम इसका न्यूमेरिकल आज क्लियर कर लेना है। तो n2 की वैल्यू क्या रखोगे 1.5/V, n1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू -30, क्योंकि लाइट के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो, लाइट इधर जा रही है और डिस्टेंस आप यहां से इधर ले रहे हो, जो भी डिस्टेंस लेते हैं यहां से लेते हैं पोल से उसके, इक्वल टू 1.5-1/R, इसको R मतलब 10, ये प्लस होगा कि माइनस होगा बताओ, प्लस होगा क्योंकि आप लाइट के चलने के डायरेक्शन में ले रहे हो, तो 10 हो गया, इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई है बताओ 90 सेंटीमीटर। अब यहां से आप इमेज बनाइए इसको, अब यहां से ले जाओ ऐसे डॉटेड करके, पहले वैल्यू निकाल कर फिर इमेज बनाओगे तभी जाके इमेज बनेगा, क्योंकि उसके पहले पता ही नहीं चलेगा अंदर रहेगा कि बाहर जाएगा। तो ये 90 सेंटीमीटर पर आपका इमेज, चलो वी डैश मान लेते हैं, यहां से कितना बन गया ये 90 सेंटीमीटर पर आपका इमेज बन के तैयार हो गया। अब इस सरफेस से जो इमेज बना है वह इसके लिए क्या कहलाएगा, तो अब इस सरफेस के यहां से काउंट करोगे ना, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, इसका रेडियस देखो डायमीटर ऑलरेडी दिया है कितना 20, ये कितना हो गया 70। अब इसको n1 मानोगे, इसको n2 मानोगे, अभी सरफेस के लिए निकालोगे तो क्या लिखोगे, n1a n2a, तो 1/V-, समझ रहे हो बात, ठीक है, और n1 कितना हो गया 1.5/U, का मतलब प्लस 70 इक्वल टू 1-1.5/-10, तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया प्लस 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहां से आके यहां पे मिल गया, यही आपका फाइनल इमेज बन गया। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत कर लोगे ना सवाल को, इस तरह के n1 और n2 वाले में कंफ्यूजन तो नहीं है, बस जहां से निकलेगा वह n1 और जहां जाएगा वो n2 होगा, रेयर हो या डेंसर हो, इस सारे चीज दिमाग से निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, आज सुबह से मेरा ये अंगूठा भी नहीं काम कर रहा है, अभी को कर दिया है, सुबह से नहीं कर रहा था, देखो कहां कहीं पर करने बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, अच्छा इसमें दिया है कि नहीं देखा तरह से,
ये वाला शेप चाहिए। कोई बात नहीं, उससे कम बनाए भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये दो चीज दिया है आपका, ये एक ग्लास है और इसका रेडियस भी r इक्वल टू 10 है और इसका भी रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, भाई दोनों का रेडियस तो होगा ना 10 सेंटीमीटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.5, और इसका जो पूरा डिस्टेंस है, इसका जो पूरा यह डिस्टेंस जो है यह दिया है आपका 120, कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके किताब में दिया भी है 120 सेंटीमीटर, और ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर पर, कितने पे 30 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए इसका डायग्राम के साथ न्यूमेरिकल लगाना है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। समझे क्वेश्चन को, आप किताबों में देखिए, आपके किताब में भी ये सवाल दिया हुआ है। ये आपका ग्लास का एक टुकड़ा है, ग्लास का एक टुकड़ा है जिसका रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स कितना है 1.5, और ये पूरा लेंथ कितना दिया है 120, और यहां से यह डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, और ये दोनों का रेडियस 10 दिया, अलग अलग भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इसका फाइनल इमेज कहां बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां से लाइट गिर जाएगी ऐसे, लेकिन अब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जा रहा है इसके लिए क्लियर हमको पता है नहीं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, आ गया, हल करना होगा, अब सॉल्व नहीं बोलेंगे, क्या करना होगा, हल करना होगा, सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा, सॉल्व करोगे। चलो भाई बताओ, सॉल्व करो इसको, तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे, n2 कितनी होगी भाई, n2 मतलब पहले लिखोगे ना, चलो 3/2 भी लिख देता हूँ, 3/2 भी लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, अरे 1.5 कोई 3/2 लिख सकते हैं, माइनस 1 अपान माइनस 30 इजकल टू 1.5 माइनस 1 अपान r की वैल्यू कितनी होगी, -10 की +10 क्योंकि यहां से r इधर होगा और लाइट किरे इधर ही जा रही है, ठीक है, इसलिए +10 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, -3/2b + 1/40 = 1/20 या 3/2b = 1/20 -1/40, इसकी भी वैल्यू कितनी आई, क्या b = 90 आएगा क्या, इसका भी वही चीज तो है लग रहा है, इसके पहले वाला देखो वही तो आया है, तो b की वैल्यू 90 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो ना कैसे होगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करोगे तो तमाम सारे बोल रहा है क्या, मैं बोलिए नहीं हंग कर रहा है, हाँ यार चलो ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 90 सेंटीमीटर, इसका मतलब है, और ये कितना है, इसका मतलब है कि इसके बीच से ही कहीं से जा रहा होगा, हाँ से, यानी यहां से यह डिस्टेंस कितना हो गया, समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए पहले आप वैल्यू निकाल लेंगे तब रे डायग्राम बनाओगे 90 सेंटीमीटर। अब इसके लिए, अब यह जो इमेज बना है, अब इसके लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बताओ, 90 निकल गया 30 होगा ना, 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब इसके लिए वैल्यू लिखोगे तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, n1 से कहां जा रहा है, अब बाहर निकल रहा है ना, तो अब इसके लिए क्या, अब कहां जा रहा है ये तो पता है नहीं, तो इसके लिए पहले लिखोगे तो n2 की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/v - n2 कितना हो गया 3/2u मतलब -30 होगा +30
माइनस ही होगा क्योंकि इधर आप डिस्टेंस ले रहे हो, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 30 कर देता हूं, इक्वल टू 1 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5 और रेडियस कितना हो गया माइनस 10, इसके लिए माइनस होगा, इसके लिए प्लस होगा क्योंकि लाइट की रेखा चलने का अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। हरा से लिखता हूं अब, 1/v इक्वल टू इसको क्या करना है 1/20 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर ला जाओ ले जाओगे तो हो जाएगा 3/60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 1/v इक्वल टू 20 और 60 का एलसीएम 60, ये कितना हो गया 3 माइनस 3 इनफाइनाइट, कहाँ ठीक हो, 3 से डिवाइड करोगे 20 60, 3 माइनस 60 से 60 ऊपर 3 नहीं है, 3 तो क्या आएगा इनफाइनाइट, यानी भी की वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ लाइट रे जहां से पैरेलल हो गया, हाँ वही ठीक या आंसर हो गया, वही तो हम कह रहे हैं कहां गड़बड़ हो रहा है, हम कहे भाई हो सकता है तुम लोग अमेरिकन इंडो अमेरिकन इंग्लिश बोलने के साथ साथ अमेरिकन मैथ भी पढ़ रहे हो, अर्जुन पढ़ रहा है, अच्छा देख लो भाई इसमें कहीं कोई डाउट पूछ लो, N1 N2 और ये सारी चीजें हमेशा पहले सरफेस के द्वारा बना इमेज दूसरे सरफेस के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है, और दूसरा जिसमें से लाइट की रेज होके जिसमें जाएगा तो जहां से जाएगा वो N1 और जहां पहुंचेगा वहां N2, बस यही दो कॉन्सेप्ट का यूज इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्बिनेशन नेक्स्ट आगे बढ़ा है, कर लोगे ना ये सब क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट देखो। अभी अंदर वाला बबल बताएंगे, घबराओ नहीं, एक का कंबाइन कर दिए इसमें मिरर है, कौन सा कनकेव की कन्वेक्स, ये कितने डिस्टेंस में मान लो 30 सेंटीमीटर पर, इसका फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, और यह जो डिस्टेंस है ये दे दिया है 110 सेंटीमीटर, कितना 110 सेंटीमीटर, बताओ भाई फाइनल इमेज इसका कहां बनेगा, फाइनल इमेज इसका कहां बनेगा बताइए, हुँ? अच्छा रेडियस, हाँ देखो रेडियस लिखे ही नहीं, आर दे दिया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है रेडियस दिया आपका 10 सेंटीमीटर, अब बता, अब तो बता सकते हो ना, बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी इस तरह क्वेश्चन देखो, देखकर घबराना नहीं है कि ये मिरर दे दिया ये दे दिया तो बहुत ज्यादा प्रूफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, स्टोव को आसानी से दाग सकते हो, कैसे कुछ नहीं करना है, यहां से लाइट की रे जैसे ले जाओ स्ट्राइक कर गया, अब ये कहां जा रहा है वो वैल्यू निकाल लो, तो कहां जाएगा कैसे निकालोगे आप, क्या करेंगे सीधे आप लिखो N1 हो गया N2, N1 से N2 में जा रहा है तो क्या लिखेंगे आप ये बताओ, ये 1.5 इसका दिया होगा तो क्या लिखोगे 3/2 v
माइनस माइनस प्लस 1/30 इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r मतलब 10 प्लस में रहेगा, तो ये हो गया 3/2 भी इक्वल टू ये कितना हो गया 1/20 माइनस 1/30 फिर वही आ गया क्या ये, चलो भी इक्वल टू कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। वाह, वो डाटा जान के लिया गया है कि मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाए, बाकी डाटा कुछ भी रहेगा कर लोगे ना, मेन कॉन्सेप्ट समझना है ठीक है। तो अब यहां से ये कहां सो के जाएगा, इसका मतलब यहां कहीं सो के जा रहा है। अब यहां पे डिस्टेंस बता दो कितना, क्यों अंदर से गया है बताओ ये, क्योंकि ये टोटल 110 है, अगर ये कम होता 90 से कम होता तो बाहर निकलता, तो ऐसा है नहीं। अब आके यहां पे स्ट्राइक किया, इसका मतलब यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगी, बताओ रिफ्लेक्ट होकर फिर यहां आएगा। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये तो यह फिजिकल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, यह फिजिकल टू 20 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बनेगा कैसे, यह जब यह 90 पे है ना ठीक है, तो इसका मतलब यह डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। इसके द्वारा इमेज आपका कहां बन रहा है, यानी ये मिरर से जो निकल के जाएगा कहां जाएगा इनफाइनाइट पे, मिरर फार्मूले से। अब नहीं देखो ठीक है, ये तो आपका अभी मिरर के लिए यू की वैल्यू कितनी हो गई -20, चलो लिख दो यहाँ पे यू इज कल टू -20 और एफ की वैल्यू कितना दिया है तो +20 हो गया, तो 1/v इज कल टू सॉरी ठीक है 1/f इज कल टू होगा ना, कोई तब भी लिखा जाता 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो v की वैल्यू कितना आ रहा है इनफाइनाइट, v की वैल्यू लेकिन एक बार और रिफ्रेक्शन होगा ना यहाँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये लाइट की रेंज कहां से जा रहा है, अब इसके लिए ये अनोन हो गया और ये n2 हो गया, तो इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे n2 मतलब 1/v, v मतलब नहीं गलत लिख रहा हूं, v की वैल्यू तो निकालना है 1/v माइनस n2/u, n2 कितना हो गया 1.5 और u की वैल्यू क्या आ रहा है, क्योंकि इसके द्वारा बना इमेज कहां बन रहा है इनफाइनाइट पे, तो u की वैल्यू क्या रख दोगे इनफाइनाइट इक्वल टू इधर कितना हो गया 1 - 1.5/r, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, अरे इस सरफेस के लिए ले रहे हो ना तो प्लस हो गया कितना 10, तो कितना आ गया 10 आ रही, तो 10 की वैल्यू है, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 1/20, यानी भी की वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि यहाँ से इमेज आकर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ कहीं, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रा करोगे यहाँ पे तो नॉर्मल से दूरी थोटेगा, तो आके यहाँ पर कहीं फाइनल आपका इमेज ये आपका आंसर हो गया। देख लो भाई कहीं डाउट इसमें, यह जीवन पथ है अदूती, मत लीक पकड़ कर चला करो, इसका कुछ खोजो राह नहीं अपनी खुद दीपक बनकर चला करो। गलत आया है,
आंसर तो इसमें कुछ छोड़ दिया। अब अच्छा इसे निकालो ये वाली वैल्यू, ये वाला वही आ रहा क्या, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 20 इक्वल टू p की वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस 1 अपॉन प्लस हो जाएगा, कोई तो आएगा इनफाइनाइट ही, आंसर कहाँ गलत दे रहा है। आंसर तुम्हारा 80/3 दिया है, वो ठीक है। देखो गलत मिस्टेक गलती क्या है, ये जो है तो लग रहा ना 1/v प्लस माइनस, चलो देखता हूँ एक बार कॉन्सेप्ट वो सही है कि नहीं। 1/20 इधर लाओगे क्या हो गया 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/b, ये कितना हो गया b इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 ठीक है। हाँ लेंस नहीं है मेरा फार्मूला ही है ठीक है। अब देखो आपका यानी भी की वैल्यू कितना आ गया 10 होगा, 10 सेंटीमीटर जब भी की वैल्यू होगी तब आप इसके लिए या यू होगा, यू कितना हो जाएगा यहाँ पर रखो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/v की वैल्यू निकालनी है -3/2। अब बताइए ये टेन सेंटीमीटर, अब ये जो है ये इमेज इधर आके बनेगा, कहाँ बनेगा क्योंकि जो आफ्टर रिफ्रेक्शन है अभी फिर दोबारा बता देंगे इसको, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई 110 और 10 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगी, 120 दूनी 240 इक्वल टू 1 - 1.5/r, r की वैल्यू प्लस 10 तो ए हो जाएगा आपका, चलो इसको लिख देते हैं 80 यानी 1/v इक्वल टू यहाँ कितना हो गया वो ये तुम्हारा माइनस नहीं होगा प्लस होगा ठीक है, ये हो जाएगा 1/20 प्लस है ना ठीक है माइनस 1/20 और ये क्या हो गया प्लस 1/80, इसको लिखोगे 1/v इक्वल टू ये कितना हो गया 80 और ऊपर कितना हो गया -4+1 यानी भी की वैल्यू कितने आ गई 80/3 ठीक तो है, यही आंसर दिया। तो एक बार फिर फिगर बना के इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्वेश्चन ये था कि आपका ग्लास का इतना दिया हुआ है जबकि यहाँ पे क्या लगा दिया गया है मिरर, या मिरर कुछ भी हो सकता है कनकेव कन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, यह पूरा लेंथ कितना दिया है 110, ये हो गया 1.5, यह हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है, इसकी रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना इसका दिया है
20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया गया O, कितने डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर पर। पूछ रहा है कि इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या करेंगे बोलते जाओ तुम लोग। पहले स्टेप में लाइट की रेज यहाँ से ऐसे ले जाओगे, स्ट्राइक कर गया, अब ये कहाँ जा रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालोगे, क्या लिखोगे, N2 कितना हो गया 1.5 अपान V की वैल्यू निकालनी है, -1/U यानी -1/30 इक्वल टू N 1.5 -1/10। इसको सॉल्व किए थे कितना आ गया 90 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख देना, समझ पा रहे हो नहीं, कर लेंगे आप। इसका मतलब है कि यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट की रेज जैसे निकली, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यह डिस्टेंस कितना बच गया 20। अब एक चीज बताए, यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आंख फिर स्ट्राइक करेगा और यही लाइट की रेज आगे की तरफ ऐसे बढ़ाओगे, ये फाइनल इमेज इसका कहाँ बना है, V = 10। इसके लिए कैसे निकालोगे, इसके लिए U की वैल्यू कितना हो गई 20, ठीक है, और F की वैल्यू कितना दिया है 20 प्लस होगा ना, ठीक है, और क्योंकि ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स के F इक्वल टू V, बाकी फार्मूला लिख दो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/Q, इसमें वैल्यू रख देंगे तो V की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी यहां से यह डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो रिफ्रैक्शन हो गया आपके यहाँ पे फिर स्ट्राइक कर रहा था, एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो अब इस सरफेस के लिए यह इमेज क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। जितनी बार रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट का काम दूसरे सरफेस के लिए, जैसे मान लो यह इमेज जो बना, यह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, इमेज इसके द्वारा बना था, अब इसके द्वारा बना इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसके लिए यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगा ना, यू की वैल्यू 120। अब एक चीज बताओ, ये लाइट की रेज कहां से जा रही है, इसमें से इसमें जा रही है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और V की वैल्यू निकालनी है -1.5 अपान U की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। माइनस होगा कि प्लस होगा बताओ, ये लाइट की रेज ऐसे आ रही है ना, और डिस्टेंस किधर ले रहे हो, किधर, क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू ये कितना हो गया 1 - 1.5 अपान, ठीक है, इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया बताओ 80/3 सेंटीमीटर। समझ में आया स्टेप, ऐसे ऐसे करोगे ना इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ पे प्लेन मिरर भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस आपका यही अपनाना है। सबसे पहले आप भी निकालोगे, फिर देखोगे कहाँ जा रहा है, फिर वह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है, फिर अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात, ये मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन बड़ा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये भी देखना है कहाँ जा रहा है लाइट, ठीक है।